Hello everybody, we'll continue with the subject surveying. We were discussing plain table surveying. So far we've discussed all these topics. We were discussing methods of plain table surveying. In that we've covered radiation, intersection, traversing. In resection we've covered Bakri method, 2-point problem, 3-point problem. We've covered the Bessel's method in 3-point problem. In today's lecture, we'll be covering the trial and error method under the 3-point problem. So, trial and error method is also known as triangle of error method. So, 3-point problem mein hamare paas simply 3 points honge ground pe. Maan lete hain ki ye hamare 3 points hain ground pe. Jo ye fixed points hain. नेक्स्ट हमारे पास ये एक प्लेन टेबल है. इस प्लेन टेबल पे हमने ये पॉइंट्स ड्रॉ करे हैं ए बी एंड सी. अब हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है? प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि ये जो ये पॉइंट्स ए बी और सी ड्रॉ हुए थे, हमें प्लेन टेबल का पॉइंट ढूंढना है कि प्लेन टेबल का पॉइंट कहाँ होगा. सो जब हम ट्रायल एंड एरर मेथड करते हैं तो उसमें हम एक अप्रोक्सीमेट लोकेशन ले लेते हैं. मान लेते हैं कि दिस इज माय अप्रोक्सीमेट लोकेशन कोई भी पी. अभी मैं क्या करूंगी, इस जिस प्लेस पे मैंने अपना प्लेन टेबल लगाया है, मैं वहां से अपने प्लेन टेबल पे कुछ रेज ड्रॉ करूंगी. कैसी रेज? ए से ए को साइट करूंगी एलिडेड रख के. तो मतलब मैंने यहाँ पे एलिडेड रखा और मैंने किसको साइट किया? मैंने पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड को साइट किया. तो जब मैं पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड को साइट करती हूँ, सो आई कैन जॉइन दैट यूजिंग अ रे. इस तरीके से मैंने पॉइंट ए को ऑन द शीट और पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड को एक रे से जॉइन कर लिया इस तरीके से. एंड आप देख सकते हैं कि ये रे का डायरेक्शन क्या है, स्मॉल ए टू कैपिटल ए. ये डायरेक्शन हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा, इसलिए हमें ये डायरेक्शन पता होना जरूरी है. दिस इज फ्रॉम स्मॉल ए टू कैपिटल ए. अब सिमिलरली मैं क्या करती हूँ, मैं अपना एलिडेड यहाँ से रिप्लेस करती हूँ और मैं उसको कहाँ ले जाती हूँ? बी पे. और बी से किसको साइड करती हूँ? ग्राउंड पॉइंट बी को साइड करती हूँ. तो यहाँ पे मैंने एलिडेड रखा और मैं किसको साइड कर रही हूँ? मैं पॉइंट बी को साइड कर रही हूँ. सो आई ड्रॉ अनदर रे इस तरीके से. अब हम क्या करेंगे, हम अपने एलिडेड को प्लेस करेंगे ऑन पॉइंट सी और हम ग्राउंड पॉइंट सी को साइट करेंगे और एक रे ड्रॉ कर देंगे इस तरह से. सो अब क्या हुआ है कि ये जो तीन रेज हमने ड्रॉ करी हैं, हमारे पास ये एक ट्रायंगल फॉर्म हो गया है सेंटर में, जिसको मैंने येलो से डिनोट कर दिया. ये जो ये ट्रायंगल हमारे पास बना है, इसे बोला जाता है ट्रायंगल ऑफ एरर. ये जो ये ट्रायंगल फॉर्म हुआ है, इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रायंगल ऑफ एरर. अब ये ट्रायंगल ऑफ एरर यहाँ पे अगर हम देखें तो ये रे कौन सी डायरेक्शन में है? स्मॉल बी टू कैपिटल बी. सिमिलरली ये रे का कौन सा डायरेक्शन है? स्मॉल सी टू कैपिटल सी. तो ये डायरेक्शंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, अभी हम आगे देखेंगे क्यों. तो ये जो ट्रायंगल ऑफ एरर बन रहा है, इसी वजह से इस मेथड का एक और नाम क्या है? ट्रायंगल ऑफ एरर मेथड. इसमें हमने क्या किया है, हमने एक सिंपली प्लेन टेबल लिया है जिसपे 3 points मार्क थे, ग्राउंड के 3 points मार्क थे. हमें प्लेन टेबल की लोकेशन डिटरमिन करनी है जो हमारी 3-point प्रॉब्लम की प्रॉब्लम स्टेटमेंट है. तो इसमें हम क्या करते हैं, हम एक अज्यूम्ड प्लेस पे अपना प्लेन टेबल स्टेशन करते हैं और फिर उससे किसको साइट करते हैं? पॉइंट ए से जो ग्राउंड पॉइंट ए है उसको साइट करते हैं, पॉइंट बी से ग्राउंड पॉइंट बी को साइट करते हैं और पॉइंट सी ऑन द प्लेन टेबल से ग्राउंड पॉइंट सी को साइट करते हैं. क्योंकि ये टेबल ढंग से ओरिएंटेड नहीं है, क्योंकि ओरिएंटेशन नहीं हो रखी है टेबल की, तो इसलिए हमारे पास क्या बनता है, एक ट्रायंगल ऑफ एरर बनता है rather than meeting on a single point. अगर ये orientation बिल्कुल correct होती तो ये सारी rays कहाँ मिलती? एक single point पे मिलती. पर क्योंकि ये orientation correct नहीं है, तो
इस वजह से ये रेज क्या है, ये रेज एक ट्रायंगल फॉर्म कर रही हैं, जिसको हमने क्या नाम दे दिया, ट्रायंगल ऑफ एरर। अब हम क्या करते हैं, अब हमें एक पॉइंट अज्यूम करना है। अब ये ट्रायंगल तो बन गया, हमारा अब एम रहेगा कि ये ट्रायंगल हम रिपीटेडली इस पे काम करें और इस ट्रायंगल के साइज को छोटा करें। रिपीटेडली काम करने का मतलब है कि मैं एक कोई पॉइंट अज्यूम करूंगी, सपोज ये मैंने पॉइंट पी अज्यूम कर लिया, पी डैश, ठीक है। ये जो ये अज्यूम्ड पी पॉइंट, पी डैश पॉइंट है, इसको मैंने मान लिया कि यहाँ पे मेरा प्लेन टेबल प्लेस्ड है। सो पी डैश को क्या मान लिया है मैंने, अज्यूम्ड प्लेन टेबल स्टेशन, अज्यूम्ड प्लेन टेबल स्टेशन। और ये मैंने अज्यूम कैसे किया है, ये मैंने अज्यूम किया है कुछ रूल्स को ध्यान में रख के, जिनका जिनको बोला जाता है लेहमन्स रूल, रूल्स। अभी हम अपकमिंग स्लाइड्स में लेहमन्स रूल को डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट अभी हम ये कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि इस ट्रायल एंड एरर मेथड में क्या हो रहा है। मैंने ये पॉइंट पी कर लिया, अपना अज्यूम कर लिया। अब मैं क्या करूंगी, अब मैं इस प्लेन टेबल को ओरिएंट करूंगी सच दैट जो रे पी डैश ए और कैपिटल ए, पी डैश ए और कैपिटल ए क्या फॉर्म करें, स्ट्रेट लाइन फॉर्म करें। तो अगर इन लोगों, इन पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन फॉर्म करनी है, तो मुझे अपने प्लेन टेबल को क्या करना होगा, रोटेट करना होगा। प्लेन टेबल किस डायरेक्शन में रोटेट होगा, प्लेन टेबल इस डायरेक्शन में रोटेट होगा, तभी जो मेरे पॉइंट्स पी ए और ए क्या आएंगे, एक स्ट्रेट लाइन में आएंगे। सो लेट्स डू दैट। सो दिस इज द रोटेटेड प्लेन टेबल। ये हमारे पास जो ट्रायल ट्रायंगल ऑफ एरर है। अब हमने क्या किया, हमने अपने प्लेन टेबल को रोटेट कर दिया है सच दैट ये जो ये पॉइंट है हमारे पास पी और पॉइंट ए ऑन द शीट एंड पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड, पी डैश ए ए क्या फॉर्म करें, स्ट्रेट लाइन। तो हमने अपने प्लेन टेबल को इस तरीके से रोटेट किया कि ये एक क्या फॉर्म कर दें, स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर दें, जो हमने पर्पल लाइन से ड्रॉ करी है। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने एलिडेट को बी पे प्लेस करेंगे, और बी पे प्लेस करने के बाद हम किसको साइड करेंगे, पॉइंट बी को साइड करेंगे। एक बार जब मैंने ये अपना प्लेन टेबल ये स्ट्रेट लाइन में ले आया है, अब मैं इसको क्या कर दूंगी, फिक्स कर दूंगी, या फिर सिंपली क्या कर दूंगी, क्लैप कर दूंगी। तो मैंने एलिडेट को बी पे रखा और मैंने किसको साइड किया, पॉइंट बी को साइड किया। तो जब मैं एलिडेट को बी पे रख के पॉइंट बी को साइड करती हूँ, तो आई गेट दिस रे। अब मैंने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप होगा मेरा कि मैं पॉइंट सी पे रखूंगी अपना एलिडेट, और मैं किसको साइड करूंगी, ग्राउंड पॉइंट सी को साइड करूंगी और एक रे ड्रॉ कर दूंगी। So let's do that. So अब आप देख सकते हैं कि ये जो ट्राइंगल अभी भी फॉर्म हुआ है, अगर मैं सेंटर में आपको दिखाऊं तो ये सेंटर में यहाँ पे अभी भी एक ट्राइंगल फॉर्म हुआ है, बट इस ट्राइंगल का जो साइज है वो बहुत छोटा है। जो पहले ट्राइंगल था ब्लू से, जो ट्राइंगल फॉर्म हुआ था थ्री रेज से, वो एंगल क्या था, बहुत, वो ट्राइंगल क्या था, बहुत बड़ा था। तो इस पूरे जोन में कहीं पे भी हमारा पॉइंट पी डैश लाई कर सकता था, बट अब हमने क्या करा है, हमने इस ट्राइंगल को, हमने इस पी डैश पॉइंट को अज्यूम करके फिर से रेज ड्रॉ करी, हमने रेज ड्रॉ करी पी डैश ए ए स्ट्रेट लाइन, और हमने ड्रॉ करा बी बी डैश, सॉरी बी कैपिटल बी और स्मॉल सी कैपिटल सी, हमने ये स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करी। इन स्ट्रेट लाइंस को ड्रॉ करके हमारे पास फिर से एक ट्रायंगल ऑफ एरर आया, बट डिफरेंस इज कि जो अब नेक्स्ट सेकंड ट्रायंगल ऑफ एरर आया है वो पहले के ट्रायंगल ऑफ एरर से छोटा है। छोटा क्यों है, क्योंकि पिछली बारी जब हमने किया था इस केस में, तो हमारा प्लेन टेबल बिल्कुल भी ओरिएंटेड नहीं था, पर इस केस में मैंने जब ये स्टेप किया था पी डैश ए ए, तो मैंने कुछ अमाउंट ऑफ ओरिएंटेशन की थी, इसीलिए जो जोन है जहाँ पे पी लाई कर सकता है वो जोन क्या हो गया है, रिड्यूस हो गया है। और अगर आप एक और आइट्रेशन करेंगे, एक और बार करेंगे, तो ये पॉइंट आपको क्या मिल जाएगा, दिस विल बी माय स्टेशन पॉइंट। ये ट्रायंगल जैसे जैसे आप
ये रिपीट करते जाएंगे ये वाला स्टेप, वैसे वैसे ये ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ये ट्रायंगल छोटा होता जाएगा और आपको एक सिंगल पॉइंट मिल जाएगा जो हो जाएगा हमारा स्टेशन पॉइंट। हमें लकीली सेकेंड आइटरेशन में ही स्टेशन पॉइंट मिल गया है, क्लियर। अब बात ये है कि ये हम कैसे कर पाए, ये हम कर पाए क्योंकि हमने ये पॉइंट पी डैश अज्यूम किया था और इस अज्यूम्ड पी डैश की वजह से हमने जो ओरिएंटेशन करी वो ओरिएंटेशन काफ़ी एक्यूरेट हो गई, इसलिए हमारा ये जो ट्रायंगल ऑफ एरर है वो रिड्यूस होके किसमें कन्वर्ट हो गया, एक स्टेशन पॉइंट में कन्वर्ट हो गया। फील्ड में हमें ये वाला स्टेप 2 बार 3 बार 5 बार कितनी भी बार ही करना पड़ सकता है, वो डिपेंड करता है हमारी एक्यूरेसी पे, इन पॉइंट्स पे और जो हम पॉइंट पी डैश अज्यूम कर रहे हैं उस पे। सो देखते हैं कि पॉइंट पी डैश को अज्यूम कैसे करते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। हम इसको अज्यूम करते हैं लेमन्स के बेसिक रूल्स से। लेमन के दो टाइप के रूल्स हैं हमारे पास, एक तो है बेसिक रूल्स, दूसरे हैं सप्लीमेंट्री रूल्स। तो पहले बेसिक रूल्स डिस्कस करते हैं। बेसिक रूल्स में लेमन क्या बोलता है कि जब भी आप पॉइंट्स पॉइंट पी या पी डैश को अज्यूम कर रहे हैं तो आपने देखना है कि वो सब जो ये रेज हमने ड्रॉ करी हैं ए ए ए कैपिटल ए बी कैपिटल बी सी कैपिटल सी उसके एक ही साइड हो। जिसका मतलब है कि जैसे हमने ये वाला पॉइंट लिया था, ये रेज ली थी, इस रे को हमने, मैंने कहा था आपको कि डायरेक्शन इम्पॉर्टेंट है, तो हमने डायरेक्शन यहाँ पे लिख रखा है कि ये किस डायरेक्शन में जा रही है रे, ये जा रही है स्मॉल ए टू कैपिटल ए, इसीलिए एरो बनाया गया है। सो इस रे का जो ये वाला पोर्स साइड है, दिस इज द राइट साइड ऑफ द रे, दिस इज द लेफ्ट साइड ऑफ द रे। सिमिलरली अगर हम रे बी बी की बात करें तो दिस इज द राइट साइड ऑफ द रे एंड दिस इज द लेफ्ट साइड ऑफ द रे, क्योंकि रे कौन से डायरेक्शन में जा रही है, बी से कैपिटल बी को जा रही है। वैसे ही सी से जब आप कैपिटल सी की ओर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी द राइट साइड ऑफ द रे एंड दिस विल बी द लेफ्ट साइड ऑफ द रे। तो लेमन का रूल बोलता है कि जब आप ये पॉइंट पी डैश अज्यूम करते हैं तो ये सारी जो रिसेक्शन लाइंस हैं, इन लाइंस को क्या बोल रहे हैं हम, रिसेक्शन लाइंस, इन लाइंस को बोला जा रहा है रिसेक्शन, क्योंकि मेथड का नाम क्या है, रिसेक्शन है, तो इनको बोला जा रहा है रिसेक्शन लाइंस। तो ये जितनी भी रिसेक्शन लाइंस हैं इनके एक ही साइड पर जो है आपका पॉइंट पी लाई करना चाहिए। एक ही साइड पर लाई करने का मतलब है कि अगर आप देखें जो पॉइंट पी है वो इस लाइन ए ए के राइट हैंड साइड पे है, राइट हैंड साइड पे है। वैसे ही जो ये लाइन बी बी है इसके भी पॉइंट पी डैश कहाँ पे है, राइट हैंड साइड पे। सिमिलरली जो लाइन सी सी है उसके भी पॉइंट पी डैश कहाँ पे है, राइट हैंड साइड पे है। तो ये जब मैंने अज्यूम किया था तो मैंने कौन से मेथड से अज्यूम किया था, रेमंड्स रूल को लगा के अज्यूम किया था। तो वो बोलता है द पॉइंट पी इज ऑन द सेम साइड ऑफ ऑल द थ्री रिसेक्शन लाइंस, सारी जो तीन रिसेक्शन लाइंस हैं उनकी सेम साइड पे है। इस केस में ये सबके राइट हैंड साइड पे है और जो ये फिगर है हमारे पास इसमें अगर आप देखें तो ये लाइन ए ए है, इसकी ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है बी बी की, ये राइट साइड है, दिस इज द लेफ्ट साइड दिस इज द राइट साइड, और हमारा पॉइंट पी कहाँ पे है, हमारा पॉइंट पी यहाँ पे है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो ये पॉइंट पी हर रिसेक्शन लाइन के लेफ्ट साइड पे फॉल कर रहा है, तो हमने क्या देखना है कि या तो हर लाइन के राइट साइड पे होना चाहिए पॉइंट पी या फिर हर लाइन के लेफ्ट साइड पे होना चाहिए। तो लेमन का फर्स्ट रूल तो ये हो गया। आई होप आपको समझ आया होगा कि लेफ्ट और राइट से हम क्या बोलना चाह रहे हैं, कि आपने एक ही साइड पे लेना है तीनों लाइंस के। फिर बोलता है द डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम द रिसेक्शन लाइन इज प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ दैट लाइन। क्या मतलब है कि ये हमारे पास ग्राउंड पॉइंट्स हैं पॉइंट ए पॉइंट बी एंड पॉइंट सी, ठीक है। अब हमने ये कुछ डिस्टेंसेस ड्रॉ करे हैं, ये डिस्टेंस हो गया, इसको मैंने नाम दे दिया पी वन, क्योंकि ये पॉइंट वन से है और पॉइंट वन कौन सी लाइन पे, कौन सी लाइन पे है, पॉइंट वन ए ए लाइन पे है। सिमिलरली
बी बी लाइन पे कौन सा पॉइंट फॉल कर रहा है, पॉइंट टू, एंड सी सी लाइन पे कौन सा लाइन पॉइंट फॉल कर रहा है, सी सी पे है पॉइंट थ्री, ठीक है। तो इसको मैंने नाम दे दिया पी वन, डिस्टेंस को पी वन बोल दिया, इसको बोल दिया पी टू, और इस डिस्टेंस को बोल दिया पी थ्री। कौन सा डिस्टेंस है, पॉइंट पी से इन लाइंस तक का डिस्टेंस है। पी वन का डिस्टेंस कितना है, पी टू का डिस्टेंस कितना है, पी थ्री का डिस्टेंस कितना है। अब लेमन का सेकंड बेसिक रूल बोलता है कि जो आपके पास ग्राउंड पे पॉइंट पी होगा उसका कुछ डिस्टेंस होगा पॉइंट ए से, और उसका कुछ डिस्टेंस होगा पॉइंट बी से, और उसका कुछ डिस्टेंस होगा पॉइंट सी से। तो इसको मैंने बोल दिया पी ए, इसको बोल दिया पी बी, और इसको बोल दिया पी सी, ग्राउंड के डिस्टेंसेस को। तो लेमन का रूल बोलता है कि ये जो ये डिस्टेंसेस हैं ये क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे। प्रोपोर्शनल होने का मतलब है कि अगर पॉइंट पी से पॉइंट वन तक डिस्टेंस पी वन है, और पॉइंट पी ग्राउंड के पॉइंट पी से ग्राउंड के पॉइंट ए तक का डिस्टेंस पी ए है, तो उनकी जो रेशो होगी वो किसके इक्वल होगी, पॉइंट पी से पॉइंट टू तक डिवाइडेड बाय पॉइंट कैपिटल पी से कैपिटल बी तक जो डिस्टेंस है उसके इक्वल, ठीक है। तो मतलब ये जो रेशोज हैं ये रेशोज क्या रहेंगी, इक्वल रहेंगी। इसका मतलब क्या है कि अगर ये पॉइंट 2 मीटर्स पे है, पी वन आपके पास सपोज कीजिए 2 सेंटीमीटर आया, और पी ए कितना आ गया है, पी ए आपके पास 10 मीटर्स है, ये 2 सेंटीमीटर्स है, ये 10 मीटर्स है। सिमिलरली पी टू कितना है, ये 4 सेंटीमीटर्स है, और पी बी कितना आ गया है हमारे पास, 20 मीटर्स। पी थ्री कितना है, 1 सेंटीमीटर, और पी सी कितना आ गया है, 5 मीटर, ठीक है। तो अब हम ये रेशो कैलकुलेट करते हैं, तो रेशो कैसे आएगी, पी वन अपॉन कैपिटल पी ए इज इक्वल टू पी टू अपॉन कैपिटल पी बी इज इक्वल टू पी थ्री अपॉन कैपिटल पी सी, ठीक है। तो पी वन कितना है हमारे पास, 2 सेंटीमीटर्स, 2 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय पी ए कितना है, 10 मीटर्स, ये रेशियो कितनी आ गई, 1 सेंटीमीटर बाय 5 मीटर्स, यही आ गई। अब पी टू को देखते हैं, दिस वॉज पी वन बाय पी ए, पी टू को देखते हैं, पी टू अपॉन पी बी, पी टू कितना है, 4 सेंटीमीटर्स, पी बी कितना है, 20 मीटर्स, ये अगेन रेशो कितनी आ गई, 1 सेंटीमीटर बाय 5 सेंटीमीटर, 5 मीटर्स। और पी थ्री बाय पी सी तो डायरेक्टली हमें पता है 1 सेंटीमीटर बाय 5 मीटर्स। तो अगर हम देखें तो तीनों रेशोज कितनी है, 1 सेंटीमीटर बाय 5 मीटर्स के इक्वल है। वैल्यूज सबकी डिफरेंट है, सब कोई 10 मीटर्स है, 20 मीटर्स है, 5 मीटर्स है, यहाँ पे भी 241 सेंटीमीटर्स है, बट इनकी जो रेशो है वो रेशो क्या रहेगी, इक्वल। ये हम इंटेंशनली ऐसा ढूंढ रहे हैं, तभी हम ये पॉइंट पी को इस तरीके से ढूंढ रहे हैं कि इंटेंशनली इनकी जो लेंथ है इस पॉइंट पी की वो क्या रहे, रेशो में इक्वल रहे। अगर आप ये पॉइंट पी करेक्टली ऑब्टेन कर लेते हैं तो हमारे पास ये जो ट्राइंगल ऑफ एरर है ये एकदम से क्या आ जाएगा, छोटा आ जाएगा, और आपको एग्जैक्ट पॉइंट मिल जाएगा। सो दीज आर द टू बेसिक रूल्स ऑफ लेमन जो हमें कंसिडरेशन में लाने हैं। नेक्स्ट आता है लेमन के सप्लीमेंट्री रूल्स। सप्लीमेंट्री रूल्स में लेमन क्या बोलता है कि ये जो ये ग्राउंड पॉइंट्स हैं, अगर हम ग्राउंड पॉइंट्स को मार्क करें, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी एंड दिस इज पॉइंट सी, ये जो ग्राउंड पॉइंट्स हैं ए बी और सी, इनको अगर आप एक ट्रायंगल से ज्वाइन करें, इनको अगर आप एक ट्रायंगल से ज्वाइन करें जैसे ये कर रखा है, तो इस ट्रायंगल को हम क्या बोलेंगे, ग्रेट ट्रायंगल। इस ट्रायंगल को क्या बोला जाएगा, ग्रेट ट्रायंगल, ठीक है, ग्रेट ट्रायंगल। और इन्हीं पॉइंट से क्रॉस करते हुए अगर आप एक सर्कल ड्रॉ करें तो उस सर्कल को क्या बोला जाएगा, ग्रेट सर्कल। सो दिस इज नोन एज अ ग्रेट सर्कल। तो
तो जो ग्राउंड पॉइंट्स हैं ए बी सी, उनसे अगर आप ट्रायंगल ड्रॉ कर रहे हैं तो उसको हम बोल रहे हैं ग्रेट ट्रायंगल, और उससे अगर आप सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, ग्रेट सर्कल। अब वो बोलता है कि अगर आपका ये ट्रायंगल पॉइंट्स इस तरीके से हैं कि आपका जो स्टेशन है वो स्टेशन कुछ यहाँ पे लाई कर रहा है, कि अगर आपका जो ये पॉइंट है जो आप ये ग्रेट ट्रायंगल के अगर बाहर आ रहा है आपका स्टेशन पॉइंट, जो ये ट्रायंगल ऑफ एरर है, ये ट्रायंगल ऑफ एरर मेरा कहाँ पे आ रहा है, ये ट्रायंगल ऑफ एरर जब मैंने ड्रॉ किया तो ये मेरा आउटसाइड द ग्रेट ट्रायंगल आ रहा है, ये ग्रेट ट्रायंगल था ग्रीन में, इसके बाहर आ रहा है मेरा ये ट्रायंगल ऑफ एरर। तो अगर ये इस ट्रायंगल के बाहर आ रहा है तो वो बोलता है कि जो आप पॉइंट लेंगे वो पॉइंट भी कहाँ पे लेंगे, वो पॉइंट भी आपके इस ग्रेट ट्रायंगल के बाहर आएगा। जैसे यहाँ पे आया है पॉइंट P3, तो अगर ये ट्रायंगल इस बड़े ट्रायंगल के बाहर आता है तो जो पॉइंट आप लेंगे वो भी कहाँ लेंगे, इस छोटे ट्रायंगल के बाहर लेंगे, ठीक है। दूसरा बोलता है कि अगर आपका जो ये ट्रायंगल ऑफ एरर है, अगर मैं इसको ग्रीन से शो करूं यहाँ पे, ये जो आपका ट्रायंगल ऑफ एरर है अगर ये ग्रेट ट्रायंगल के अंदर आ रहा है, जैसे इस केस में आ रहा है, ये ग्रेट ट्रायंगल के अंदर आ रहा है, तो जो आपका पॉइंट होगा वो पॉइंट भी कहाँ आएगा, वो पॉइंट अंदर आएगा, किसके अंदर आएगा, इस ट्रायंगल ऑफ एरर के अंदर आएगा, जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है हमें पॉइंट P1, क्लियर। तो ये कुछ बेसिक रूल्स हैं जो हमें याद रखने हैं। अगर आप देखें तो यहाँ पे भी मैं अगर पॉइंट्स की डायरेक्शन ले लूँ या लाइंस की डायरेक्शन ले लूँ, ये लाइन इस डायरेक्शन में जा रही है तो कौन सा इसका लेफ्ट होगा, कौन सा इसका राइट होगा, दिस विल बी लेफ्ट दिस विल बी राइट। सिमिलरली ये लाइन ऊपर को जा रही है तो दिस विल बी लेफ्ट दिस विल बी राइट, और ये लाइन इस डायरेक्शन में जा रही है तो इसका क्या हो जाएगा, दिस विल बी लेफ्ट एंड दिस विल बी राइट। तो आप देख सकते हैं कि पॉइंट P3 जो है वो सबके किस में आ रहा है, राइट साइड पे आ रहा है, सारे लाइंस के राइट साइड पे है अगर आप ध्यान से देखें तो, ठीक है। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे भी ये पॉइंट, ये लाइन इस डायरेक्शन में जा रही है तो दिस इज लेफ्ट दिस इज राइट, ये लाइन इस डायरेक्शन में जा रही है दिस इज आई एम सॉरी। अब एरोस के साथ देखते हैं, अगर ये लाइन ए पॉइंट की तरफ जा रही है तो दिस इज द डायरेक्शन दिस इज लेफ्ट दिस इज राइट, ये लाइन बी की तरफ जा रही है तो दिस इज लेफ्ट दिस इज राइट, और ये लाइन सी की तरफ जा रही है तो दिस इज लेफ्ट एंड दिस इज राइट। तो अगर आप देखेंगे कि ये जो पॉइंट P1 है ये हर लाइन की कौन सी साइड पे है, हर लाइन की लेफ्ट साइड पे फॉल कर रहा है, तो लेमन के जो बेसिक रूल्स हैं उनको ये सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि जब भी हम पॉइंट्स की बात करें तो जब हम पॉइंट्स अज्यूम करें तो हम लेमन के रूल्स को फॉलो करें। लेमन के और भी बहुत सप्लीमेंट्री रूल्स हैं बट हमारे लेवल के लिए ये दो रूल्स सफिशिएंट हैं। सो आई होप आपको ये 3 पॉइंट प्रॉब्लम समझ आई होगी। यहाँ पे हम 3 पॉइंट प्रॉब्लम को क्लोज कर रहे हैं, हमने सब मेथड्स डिस्कस कर लिए हैं इसके। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड।